हमास के साथ युद्ध ने इसराइल को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है। इसराइल की लाइफलाइन माने जाने वाली आर्थिक राजधानी अपने नाइट लाइफ की वजह से जानी जाती है, लेकिन जब युद्ध प्रभावित तेल अवीव का रात में जायजा लिया गया तो बड़े ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। दरअसल पूरे शहर में सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरा का पूरा शहर भूतिया शहर में तब्दील हो गया है। शहर की गलियों में हिंसा के निशान ताजा है, जगह जगह पर रॉकेट और मिसाइल के टुकड़े बिखरे हैं, तो कहीं गाड़ियों पर गोलियों के निशान जिंदा हैं। जहां तहां महिलाओं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग और हमास के लड़कों ने अंधाधुंध गोलीबारी में मौत के घाट उतार दिया। खून के धब्बे अभी भी हमास के आतंक की कहानियां बयां कर रहे हैं। इसराइल शहर के जिस हिस्से में हमास के आतंकी पिछले शनिवार को घुस आए थे, अब वो शहर पूरी तरह से बर्बाद और वीरान हो चुका है। शहर के सबसे आखिरी कस्बे में गाड़ियों पर गोलियों के निशान और खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिन्हें हमास ने गोली मार दी थी। इन लड़ाकों ने बच्चों और औरतों को भी नहीं बख्शा। जी हां, इसराइल की राजधानी तेल अवीव देश की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन युद्ध की वजह से यह मानो सब कुछ थम सा गया है। रेस्टोरेंट, पब, दुकानें, बाजार सब कुछ बंद है। स्थिति कोविड के बाद लॉकडाउन से भी ज्यादा भयावह है। इसराइल का सबसे विकसित शहर है तेल अवीव, आपको बता दे, लेकिन ये युद्ध ने तेल अवीव की नाइट लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ गगनचुंबी इमारतें हैं और रोशनी भी चारों तरफ चमक रही है, फिर भी मानो जैसे हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। शहर के पश्चिमी हिस्से से बड़ी संख्या में लोगों को हमास ने बंधक बनाया और गाजा को लेकर चले गए। कईयों को हमास के लड़कों ने अपनी सीमा में लाकर गोली मार दी। सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि पिछले शनिवार को स्पेशल फोर्स ने ऑपरेशन चलाकर कई यानी कि 100 से भी ज्यादा शव को बरामद किए हैं, जिनको देखकर लगता है कि हमास ने आईएसआईएस से भी ज्यादा बर्बाद दिखाई दिया जिनको देखकर लगता है कि हमास ने आईएसआईएस से भी ज्यादा बर्बरता दिखाई है। इस कस्बे के बाहरी गलियों के अलावा पूरा शहर ही अब खाली कर लिया गया है। लोगों के घर टूट गए हैं और हौसला भी टूट गया है, लेकिन इस बात की उम्मीद है कि इसराइल अब हमास को खत्म कर देगा और उसके बाद ही इस शहर में फिर से लोग कदम रखेंगे। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो बगल में बेल आइकन है उसको बिल्कुल भी क्लिक करना ना भूलें, ताकि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल जाए।